हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव निज्जैन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है इनकम टैक्स पर्पज से। इनकम टैक्स में बजट 2023 के थ्रू जो सेक्शन 43 भी है उसमें अमेंडमेंट आया है, काफी स्ट्रिक्ट अमेंडमेंट है। आपको इसकी नॉलेज होना जरूरी है। आपके बिजनेस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो काफी शॉर्ट में रहेगा, पूरा एंड तक देखिएगा। मैं डायरेक्ट लेकर चलता हूँ आपको। ये पॉइंट नंबर है 13, ठीक है। अमेंडमेंट इन सेक्शन 43B में जो अमेंडमेंट आया है, वो जो अमेंडमेंट है उसमें क्लोज नंबर एच जो है वो ऐड की गई है। ये पहले नहीं हुआ करती थी, न्यूली एडिड है। अब आप ध्यान से सुनिए और समझिए, यहां पर सेक्शन 43B में क्या बात की गई थी। वो एक्सपेंसेस की लिस्ट थी जो एक्सपेंस आपको इनकम टैक्स में एक्चुअल पेमेंट बेस अलाउड होते थे, मतलब जिस साल में आप उसकी पेमेंट करेंगे तभी वो आपको अलाउड किए जाएंगे विद इन टाइम प्रेस्क्राइब्ड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका। इसमें एक एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ESIPF की जो रिटर्न आपको फाइल करनी होती है, चालान इनकम स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, वो 15 तक आपको फाइल करनी होती है नेक्स्ट ऑफ द मंथ। अगर आपको एक भी दिन डिले हो जाता है उसमें, तो जो इनकम टैक्स है उसके हिसाब से वो जो एक्सपेंस है वो आपको डिसअलाउड कर दिया जाता है और उस वो आपकी इनकम में एडबैक कर दिया जाता है। अब यहां पर जो MSME रजिस्टर्ड यूनिट है उनको प्रमोट करने के लिए ये पॉइंट नंबर एच यहां पर ऐड कर दिया गया है। और इसमें क्या लिखा गया है, एनी सम पेबल बाय द SSC। देखिए वर्ड यूज किया गया है पेबल, तो अगर पेबल वो रहता है तभी ये क्लोज वर्क करेगी। अगर पेड हो चुका है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। टू ए माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15। सेक्शन 15 के अंडर में 45 डेज का टाइम दिया गया है। 45 डेज के अंदर अंदर आपको पेमेंट कर देनी होती है, जैसे इनवॉइस आया उसके 45 डेज के अंदर पेमेंट आपको करनी होती है। तो आप इस टाइप के काफी सारे वेंडर्स से गुड्स या सर्विस ले रहे होंगे जो कि MSME में रजिस्टर्ड है। ये जो पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज की डेट में MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन करना काफी ईजी है। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको ऑनलाइन मिल जाता है, उसमें आधार कार्ड बेस वो रजिस्ट्रेशन है और उसमें कोई फीस भी अप्लाइड नहीं होती है। तो मोर और लेस जितने भी वेंडर्स हैं या स्मॉल यूनिट्स हैं वो इसको लेकर रखते हैं। और ये जो इसकी डेफिनेशन है माइक्रो स्मॉल और मीडियम, इसमें भी काफी अच्छी टर्नओवर का उन्होंने कवर किया है। तो मोर और लेस सभी बिजनेस, क्योंकि इसके लेने से लोन्स में जो इंटरेस्ट पे होता है उसमें भी सबसे मिलता है, मतलब इंटरेस्ट में जो है कुछ रेट की आपको यहाँ पर छूट मिल जाती है। तो अब आपको क्या करना है, जो आपकी 31 मार्च को जब आप बुक्स फाइनल करेंगे तो जितने भी आपके क्रेडिटर्स होंगे वो क्रेडिटर्स को आपको लेटर इशू करना है और उनसे कंफर्मेशन लेनी है कि आप अगर MSME में रजिस्टर्ड हैं तो आप हमें ईमेल पे अपना सर्टिफिकेट शेयर कर दीजिए। अगर वो MSME में रजिस्टर्ड है और उन्होंने आपको ईमेल पर सर्टिफिकेट भेज दिया है तो आपकी लायबिलिटी है कि आप 45 डेज के अंदर में उनको पेमेंट करें, अदरवाइज आपको जो पेमेंट है वो इनकम टैक्स में डिसअलाउड हो जाएंगी और आपको एडबैक कर दी जाएंगी। उससे क्या होगा कि उस साल में आपको जो टैक्स है वो ज्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें यहां पर पॉइंट आता है कि एक्चुअल पेमेंट बेसिस है, 45 डेज के अंदर आपने पेमेंट नहीं की तो क्या ये जो पॉइंट है जो MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन वाला है ये आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेक करना है। तो यहां पर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चेक नहीं करना है, आप कोई भी SSC हो, आप रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब यहां पर पेबल आ रहा है, मतलब पेबल का मतलब है आपकी बुक्स में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, आपको पे करने हैं MSME यूनिट को पेमेंट, तो वो खर्चा आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस ही अलाउड होगा। ये जो अमेंडमेंट है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये अमेंडमेंट जो है वो अप्लाइड होगी फाइनेंशियल ईयर 23-24 से, ठीक है। इसका जो असेसमेंट ईयर है, रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है, वो 24-25 है। तो यहां पर असेसमेंट ईयर लिखा हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 से अप्लाइड होने वाली है। बट इसका इफेक्ट आपके लिए 22 और 23 में भी आएगा। 22 और 23 में कैसे आएगा कि जब आप अपनी बुक्स फाइनल कर रहे होंगे तो आपको वो वेंडर्स लिस्ट आउट करने होंगे कि जो कि MSME में रजिस्टर्ड हैं और उनके डिलेड पेमेंट चलते हैं, किसी का 3 मंथ्स का भी हो सकता है या 6 मंथ्स का भी हो सकता है। तो आपको वो आइडेंटिफाई कर लेना है अभी से ही, 22-23 से वो आइडेंटिफाई करके उनको आपको सेलेक्ट करना है कि क्या आप नेक्स्ट ईयर में उनके साथ काम करेंगे। तो आपको ये वाली क्लोज के अंदर अंदर उनको 45 डेज में पेमेंट करना होगा। तो ये एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव भी है कि जो
स्मॉल यूनिट्स हैं उनको पेमेंट टाइमली मिलेगा ताकि वो अपने जीएसटी और इनकम टैक्स की लाइबिलिटी टाइम से पे कर पाए। वो डिसीजन आपका है कि आपको उनके साथ आगे गुड्स या सर्विस में डील करना है या नहीं करना है, या आपको नॉन एमएसएमई से करना है, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। बट यहां पर जो इनकम टैक्स की अगर आपको स्क्रूटनी लगती है तो आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो आपसे लिस्ट आउट किए जाएंगे। लिस्ट आउट करने के बाद आपसे उनके जो पैन कार्ड की डिटेल है, कितनी पेमेंट बाकी है, वो सब चीजें कलेक्ट की जाएगी। अगर आप ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस भी नहीं दिखाते, फ्यूचर में कभी स्क्रूटनी लगती है, तब भी आपको एक खर्चा डिसअलाउड कर दिया जाएगा, क्योंकि पैन कार्ड के बेस पर जो इनकम टैक्स ऑफिसर है उनके पास पावर्स होती है, वो पता कर सकते हैं कि ये यूनिट एमएसएमई में रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो ये था अमेंडमेंट का सेक्शन 43B का सबसे रेलिवेंट पॉइंट, क्या कि अब एमएसएमई के जो खर्चे होंगे वो 45 दिन के अंदर पेमेंट करने पर ही आपको अलाउड किए जाएंगे। अब यहां पर बात हो रही है कि जो 45 डेज है वो कब आपको चेक करने हैं, ठीक है? तो ड्यूरिंग द ईयर में हो सकता है कि आपके जो प्रोसेस है वो चल रहा हो, आपने जो है पेमेंट जो है डिले कर दी हो। हालांकि पेमेंट डिले करने के लिए भी एमएसएमई एक्ट के अंडर में उसके प्रोविजंस है, पिनल्स प्रोविजंस, बट वो इनिशिएट नहीं होते हैं ऑटोमेटिकली जब तक वो सामने वाला वेंडर उस एक्ट की और उस पेमेंट की वैल्यू को लेकर जो उसमें रीजन्स या प्रोविजंस दिए गए हैं कि वो आपके ऊपर उन पेनल प्रोविजंस को लेकर ना आए, मतलब ऑटोमेटिकली इनिशिएट नहीं होते हैं। बट ये आपकी लाइबिलिटी है, हर साल आपको वेंडर से सर्टिफिकेट लेना चाहिए और जितने भी वेंडर्स हैं उनकी पेमेंट को लाइन अप करते हो 45 डेज में कर देना चाहिए। ड्यूरिंग द ईयर में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी 31 मार्च को। 31 मार्च को आपको आइडेंटिफाई करने होंगे कौन कौन से यूनिट्स हैं और उनका 45 डेज में पेमेंट कर दीजिएगा, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं किया तो खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर वाले में 45 डेज वाला कंडीशन एमएसएमई एक्ट में तो है, बट यहाँ पर इन्होंने एनी सम पेबल बाय द सीसी टू एमएसएमई यूनिट बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 लिखा हुआ है। यहाँ पर इन्होंने क्लियर ऐसा बिल्कुल भी कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि ड्यूरिंग द ईयर भी आपको चेक किया जाएगा कि आपने इस पीरियड में किस किस वेंडर से क्या क्या सर्विस या गुड्स लिए हैं और उसमें क्या क्या प्रोविजंस, आपने कितने डिले पेमेंट किया है, मतलब 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का। तो अगर यहाँ पर प्रोविजंस में जब ये फाइनल होगा अभी एक्ट में जैसे नोटिफाइड होगा मैं आपको तुरंत बताऊंगा, वहां पर ये अगर ये लिखा हुआ आया कि ड्यूरिंग द ईयर आपने जितने भी सर्विसेज या गुड्स लिए हैं उन सबका ये चेक किया जाएगा वेंडर वाइज कि आपने उसकी जो पेमेंट है वो 45 डेज में की है या नहीं की। अगर नहीं हुई है तो वो खर्चा आपको डिसअलाउड कर दिया जाएगा, ठीक है? या फिर इसमें ये देखा जाएगा कि एंड ऑफ द ईयर मतलब 31 मार्च को ये चीज चेक की जाएगी कि पेमेंट जो है अब कितनी बैलेंस बाकी है, क्योंकि अगर ड्यूरिंग द साइकिल में ये चीजें मैनेज करना होगा तो एक नॉर्मल बिजनेसमैन के केस में देखा जाए तो उसको काफी हार्डशिप आने वाली है कि 45 डेज के अंदर में उनको पेमेंट करने की लायबिलिटी आ जाएगी। वो एमएसएमई है या नहीं है, वो आगे से उनकी जो पेमेंट्स हैं उनको टाइमली मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसके लिए भी सेम चेन ऑफ साइकिल चलेगी। या तो आप भी अगर एमएसएमई की जो डेफिनेशन है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, उसमें आप रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के हिसाब से जो आपकी टर्नओवर होगी पैन कार्ड बेस्ड ऑटोमेटिकली आपको कैटेगराइज करेगा। या तो फिर आप भी इसी टाइप से कीजिए कि आप भी रजिस्ट्रेशन ले लीजिए और आप आगे भी 45 डेज में आपको पेमेंट मिलेगी, आप भी आगे 45 डेज में पेमेंट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जीएसटी और इनकम टैक्स आप अपने टाइमली पे कर पाएंगे। तो जैसे ही ये नोटिफाइड होगा इनकम टैक्स में कि ये जो प्रोविजंस है कंप्लीट ईयर के देखे जाएंगे वेंडर वाइज या फिर केवल 31 मार्च वाली फिगर देखी जाएगी, मैं तुरंत आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल के लिए आप अभी 2022-23 में अपने जो वेंडर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए और एक बार एमएसएमई एक्ट के अंडर भी पिनल प्रोविजन चेक करते हुए कंफर्म कर लीजिए कि कल को आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अभी ये गवर्नमेंट की तरफ से एमएसएमई को काफी ज्यादा इंक्रेज किया जा रहा है। तो हो सकता है कि कल को कोई ऐसा लॉ आ जाए कि एमएसएमई के अंडर में भी पेनल्टी और जो अदर एक्टिविटीज है वो इनिशिएट हो जाए। इस टाइप के काफी सारे वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं, इसमें इनकम टैक्स और जीएसटी के बेसिक अपडेट्स भी अवेलेबल हैं, फाइलिंग प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को भी मैंने यहाँ पर अपलोड किया हुआ है, आप एक बार वीडियो देख सकते हैं, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।